सप्तदशाधिकरण आरचेति, सत्रहवें अधिकरण को आरंभ करते हैं। एक पात्र अनुज्ञापनाधिकरणम, अनुज्ञा जो लेनी है, अनुमति लेनी है, वह क्या प्रत्येक पात्र के लिए करना है या पहला एक पात्र के लिए कर लेने से क्रम अपने आप चल पड़ेगा? जैसे दीक्षा क्रम वगैरह में होते हैं वैसे यहाँ भी क्रमश हो जाएगा। एक को पहले वाले को बोलना जरूरी है अथवा सभी को करना है? पूर्व पक्षी सबको कहेगा, सिद्धांत एक को कहेगा, इसे इसका नाम है एक पात्र अनुज्ञापनाधिकरणम। उपवानम अशेषाणाम उतस्याद्यग पात्रिणाम अदृष्ट हेतु राध्य सियाद दृष्टाधिक्यादितो अंतिम। उपवान जो क्रिया पूर्व अधिकरण में निर्णय हुआ वह सकल पात्र धारियों को करना है या एक पात्र नाम एक पात्र को करनी है? पूर्व पक्ष कहते हैं अदृष्ट है दो आद्य सियात, ये जो है आह्वान है, आज्ञापन और अनुज्ञापन जो लिया जा रहा है, अनुज्ञापन वह अदृष्ट फल है उसका, अतएव सबके लिए होनी चाहिए। सिद्धांत कहते हैं नहीं, ये तो दृष्ट है, क्रम तय करने के लिए केवल कहा जा रहा है। दृष्ट आदिक्यादि तो अंतिम, इसलिए अंतिम पक्ष मान एक पात्र पक्ष मानना ही उचित है। कि भाग आदिक्य, क्योंकि है ना हर एक पात्र में कितना बचा है कोई निश्चय है क्या? किसी में ज्यादा बच गया हो, किसी कम बच गया होगा, भाग में भी आधिक्यता रहेगी, सम तो रहेगा नहीं। जिसके भाग्य में जो है, भाग में जितना मिल रहा है उसको प्राप्त करेगा, और क्रम मात्र में निर्णय करना है। अतएव आधिक्य मने वही भाग आधिक्य के कारण से न्यूनाधिकता हो सकता है, इस वजह से अनुज्ञापन से अदृष्टम प्रयोजनम। पूर्व पक्ष कहता है अनुज्ञापन का प्रयोजन क्या है? अदृष्ट है। तच्छा विभिन्न पात्रेषु समानम, और सकल पात्रों में विभिन्न पात्र बराबर है, अतः सभी पात्रों के विषय में तो तत्पात्रियों का आज्ञापन आवश्यक है। इति चेत् मैवम दृष्ट प्रयोजनस्य सद्भावात्, यह दृष्ट प्रयोजन है। साधारण वस्तुनि कतंचित भागाधिक्ये अपराधो भवति, साधारण वस्तु में नियम होता है कतंचित अधिक भाग बच जाए वह अपराध हो जाएगा, अपने स्वार्थ में बचा लिया कहा जाएगा ना। साधारण मामलों में यदि कोई ऐसे गड़बड़ कर दिया कहेंगे यार ये स्वार्थ में अपने लिए बचा लिया ज्यादा और उधर कम दिया। जैसे किसी को लालच हो गया बांट रहा है, उसको बोले आप प्रसाद बांटो वहाँ बैठो, दिया उसको प्रसाद बांटो, उसने देखा इतना बढ़िया प्रसाद है सब क्यों दो, निकाल एक एक अपने इधर बगल करते गया और देते गया और खत्म हो गया, बोल दिया वो अपने लिए निकाल लिया ज्यादा फालतू के होते, अब क्या करें। लेकिन लौकिक वस्तु में भले ऐसा हो जाए लेकिन वैदिक वस्तु में ऐसा नहीं होने दे सकते। साधारण वस्तु नहीं कतंचित भागाधिक्य अपराध होती, इन्हें ऐसा नहीं अब हवन में डाल रहे हैं, डालते वक्त हम कितने बचाने की इच्छा से तो बचाने, बचाना आदेश है, बचाना तो ही है, और कितना बचेंगे नाप के थोड़ी बचेगा, वह अंदाजन डाल देगा और डर के मारे बचे ना बचे तो अपराध हो जाएगा, डर के मारे झटित कर दिया। इसे किसी में क्या होता है ज़्यादा बच जाता है किसी कम बच जाता है, यहाँ तो संभव है। अतो न्यूनाधिकत्व परिहार निमित्तम अनुज्ञापनम एक पात्रणाम, न्यूनाधिक के परिहार निमित्तक अनुज्ञापन प्रत्येक के लिए न करते हुए केवल एक के करने से पर्याप्त है, एक पात्र नाम एव इति सिद्धम। किसी क्या न कम होगा किसी में ज्यादा बचेगा। अष्टाशाधिकरण आरचति, अठारवाधिकरण है स्वयं इष्टुर्भक्षाधिकरण, बहुत विलक्षण है प्रक्रिया, यहाँ अधिकतर होता ही याज्ञ अनुवाज्ञा का पाठ करके वशट करके हवन करता है, इसलिए वशट कर्तु प्रथम भक्ष का अधिकार होता को ही मिलता है, और होता ही इसलिए वशटकार भी वशटकरण भी करेगा और भक्षण भी प्रथम वही करेगा। लेकिन एक याग विशेष में
एक काम यजमान को ही करना चाहिए, बोल दिया याज्ञा पाठ यजमान करें। अब वहां समस्या हुई, लेकिन वशट कौन करेगा, भक्षण कौन करेगा? पूर्व पक्षी कहेगा याज्ञा मात्र यजमान को पाठ करने कहा है ना, तो याज्ञा नमक युगल मंत्र पाठ करेगा, बाकी वशट तो होता ही करेगा, इसे भक्षण का अधिकार भी होता कोई मिलना चाहिए, ये पूर्व पक्ष कहेगा। सिद्धांत के नहीं नहीं यहाँ ये भी है, जो याज्ञा पाठ करेगा वही वशट करेगा, वही भक्षण भी करेगा। इसलिए यजमानी याज्ञा पाठ करने के लिए जब कह दिया गया होता का अधिकार को हटा करके यजमान को अधिकार दिया गया याग विशेष में याज्ञवा के पाठ करने, तो वशट भी यजमानी कहेगा और भक्षण भी यजमानी करेगा, होता को नहीं मिलेगा। ये इसके लिए ये आरंभ हो रहा है, स्वयं यष्टु माने यजमान, वही जो है भक्षण पर्यंत कार्य करेगा। इति स्वयं यष्टु भक्षाधिकरणा होतुर याज्ञापनीतौ किम न वशटकार भक्षयो हो अपनीतिर उतापायो नापनीतिर्विभेदतः यजमानेन यष्टव्यं न विनेष्टिर वशटकृतिं वशटकारो याज्ञयातः सह पैत्यदनं तथा होतुर याज्ञापनीतो। होता के अधिकार हटा के याग विशेष में कह दिया गया यजमान जो है याज्ञा पाठ का पर है, होता में याज्ञा का अपनयन हो गया, हटा दिया गया, यजमान को दिया गया। वहां विचार कर रहे हैं किम न वशटकार भक्षयो, क्या वशटकार वशटकरण और भक्षण ये दोनों भी होता से हटा देंगे या नहीं हटाएंगे? पुरुष न वशटकार भक्षयो, होता का अधिकार वशटकरण और भक्षण वो हटेगा नहीं, अपनीति रुत या वो भी हट जाएंगे, विकल्प नहीं हटेंगे, भक्षणाधिकार वशटकरण अधिकार होता का नहीं हटेगा। पूर्वपक्ष कहेगा सिद्धांत कहेगा याज्ञा पाठ के अधिकार हटते ही उसके वशटकरण अधिकार और भक्षण अधिकार भी हट जाएगा। पूर्वपक्षी नापनीतिर विभेदतः ये हटेगा नहीं, वशटकरण होता का ही अधिकार रहेगा, भक्षण भी होता को ही अधिकार रहेगा, क्योंकि वो भिन्न भिन्न मामला है, या पाठ करना अलग चीज़ है, वशट करना अलग चीज़ है, भक्षण करना अलग अलग चीज़ें हैं। ये पूर्व पक्ष का यही हेतु सिद्धांत ने यजमान यष्टव्यम, यजमान के द्वारा ही याज्ञा पाठ करके यजन करना है, कि वह ये नियम है याज्ञा अनुवाक्य पाठ समाप्त होते ही एक श्वास भी देर नहीं करना है, फट स्वाहा कर देना है, डालना है, ये विधान है। इसलिए ये पूरा पाठ करेगा, बाद में उसको बोलेगा तुम वशट करो और वो वशट करेगा, तो व्यवधान हो जाएगा। अव्यवहित करने का कार्य व्यवहित करना भी दोष है, इसलिए सिद्धांत कहना है यजमान के द्वारा यष्टव्यम न विना इष्टिर वशट कृतम, बिना वशट कृतिम न इष्टि, वशट कहे बिना हवन नहीं होगा, और जो वशट कर दिया वही भक्षण भी करेगा, वशट कर तो प्रथम भक्ष विधि है। वशटकार याज्ञया अतः स अपैति अदनम तथा, इसलिए याज्ञा का हट जाने से वशट कर्तृत्व और अदनम मने भक्षण ये भी सब एक साथ होता का अधिकार से हट जाएगा, और यजमान ही याज्ञानुवाक्य पाठ भी करेगा, यजमान भी वशट कर्ण करेगा, यजमान ही भक्षण करेगा। ज्योतिष्टोम ऋतुयाज नामकेशु यागेशु आमनायते, एक ज्योतिष्टोम प्रकरण में एक विकृति याग है जिसका नाम है ऋतुयाज, ऋतुयाज नामक एक याग विशेष है, उसमें कहा यजमानस्य याज्ञा सो अभिप्रेष्यति होतर एतद् यजयति स्वयं वा निषद्य यजति इति। वहाँ पर है यजमान जो है याज्ञा पाठ का पाठ करेगा, उसके बाद में उसकी मर्जी है, सो अभिप्रेष्यति वो अभिप्रेषण करेगा हे होतर यजयति,
अरे होता तुम बाकी काम करो, यदि यजमान कहेगा तो होता को अधिकार मिल जाएगा, वो वशटकरण करेगा, भक्षण भी कर देगा। वहाँ कहा विधि में विकल्प, स्वयं वा निषद्ध यजती, अतः स्वयं वहीं बैठ करके या जप पाठ के बाद वो स्वयं ही वहाँ पर करेगा यज्ञ। स्वयं पक्ष में विचार है, ये अधिकरण है स्वयं पक्ष में, यजमान ने उसको दे दिया अधिकार, होता आप करो करके, तो होता वशट कर रहा है वही भक्षण भी करेगा, वहाँ संशय ही नहीं है। जब स्वयं करने लगेगा तब संशय। होत्रे कांडे समामनाता याज्ञा समाज्ञा होतु प्राप्त। होत्र कांड में पठित जो याज्ञा मंत्र है वे समाख्या प्रमाण के आधार पर होता के द्वारे पाठ करने प्राप्त है। तत्र काचित याज्ञा होतुरपनीय यजमानस्य विधीयते। वहाँ पर इस याग विशेष में किसी याज्ञ विशेष को होता से अधिकार हटा करके यजमान को अधिकार दिया गया है। तो यजमान स्वेच्छया होतरम वा प्रेषति स्वयं वा याज्ञम पठति। और यहाँ यजमान स्वेच्छापूर्वक होता को प्रोषण भी कर सकता है और स्वयं भी याज्ञ पाठपूर्वक सकल कार्य कर सकता है। तत्र स्वपाठ पक्षे याज्ञैव होतुरपनीयते। वहाँ पर जो स्वयं पाठ करने का बात आई वहाँ पर याज्ञ मात्र को होता से हटाएंगे और वशट करण एवं भक्षण होता को करने दिया जाए, ऐसे पूर्व पक्ष कहता है। तत्र स्वपाठ पक्षे याज्ञ एव होतुरपनीयते न तो वशटगार भक्ष अपनीयते। वशटगार और भक्षण का अपने नहीं होगा। तयोर याज्ञायाम अनंतर भावात, क्योंकि उसके याज्ञा से उनका कोई लेना देना नहीं, संबंध नहीं है, ऐसा पूर्व पक्ष कह रहा है। अतो होता एव वशट करोति भक्षेति च। जब होता वशटकरण करेगा भक्षण करेगा, यजमान केवल याज्ञा पाठ करके छोड़ देगा। इति प्राप्ते ब्रह्मा सिद्धांत से नहीं हो सकता। स्वयं व निषद्य बोला है ना, निषद्य यजती पक्ष स्वीकारद यजमान है ना याग कर्तव्य। ऐसे पक्ष को जब स्वीकार किए हो स्वयं पक्ष को, यजमान के द्वारा याग भी कर्तव्य होगा। जब याग करेगा बिना वशट बोले याग कैसे करेगा वो? अब यह वशट कोई दूसरा कहेगा या कोई और करेगा क्या? जो वशट करेगा वशट करिशन नियम है वहाँ, वशट करिशन वशट करते हुए सीधा हवन करना है। इसलिए यहाँ पर स्वयं वा निषद्य यजति पक्ष है स्वीकाराद यजमान न याग कर्तव्य सच यागो यषटकार मंत्रे वषटकार मंत्रेण न संभवती। सच यागो वषटकार मंत्रेण न संभवती, वषट कहे बिना नहीं हो सकता। याज्ञा या अधि वषट करोति इति तद विधानात्। स्पष्ट है याज्ञा या अधि, अधि का मतलब कि व्यवधान नहीं होनी चाहिए, तुरंत वषट करोति तद विधानात्। यजमानो याज्ञम पठतु, पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है यजमान याज्ञ पाठ करेगा, उसका पाठ समाप्त होते झटिति होता जो है वशट कर डालेगा, वशट करोति इति चेत मैवम। वहाँ पर एक दूसरे वाक्य में कहा अनवान यजती याज्ञ वशटकार और मध्य, याज्ञ और वशटकर्ण इन दोनों के बीच में अनवान बोल दिया। अनवान कर दिया श्वास निषेधे न, अवान मने श्वास, अनवान मने एक भी श्वास ले करके बीच में व्यवधान करके आप हवन नहीं कर सकते, तुरंत अव्यवहित में करना है। श्वास निषेधे न एक कर्तृदावगमा, भिन्न कर्तृ नहीं हो सकता, एक कर्तृ के संभव है। अतो याज्ञ स वशटकारो होतुरपीति, याज्ञ के सहित वशट कर्तृत्व भी होता का हट गया। जब वो हट गया तद अपाहे वशटकार निमित्त भक्षश्च होतुरपेत्य यजमाने निविशते। इसे वशटकार निमित्त जो भक्षण था वह भी होता से हट गया, जिसे वशटकरण किया ही नहीं इसे उसका अधिकार खत्म हो गया, वह भी इसलिए यजमान में प्रविष्ट हो गया। इसे यजमान ही याज्ञ पाठ करेगा, यजमान जो है वशटकरण भी करेगा, यजमानी भक्षण करेगा, ये सिद्ध हुआ। फल चमसाधिकरणम, फल चमसाधिकरणम एकोन विंशाधिकरणम मारचेती, एकोन विंशाधिकरण मारचेती फल चमसाधिकरणम। किसी या विशेष में सोम के वजह से निग्रोध पिष्ट
को विधान किया। वहाँ विचार करना है, निग्रोध पिष्टम सोमस्य स्थाने क्षत्रिय वैश्यो हो भक्ष मात्रे विकुर्या तत् सोमयागे पिवा तथा विभक्ष विषया वाग्यम उपक्रम्योपसंहृतम भक्षम यच्छेदिति ततो विकारो भक्ष मात्रगः फलाग्य चमसे नासौ यजेतेति श्रुतत्वदः इच्छायांच विकारोस्ति यागार्था भक्ष संस्कृति ही। कहते देखो किसी याग विशेष में सोम के जगह पर, जैसे भी होता के जगह पर यजमान, वैसे ही प्रसंग आ गया इसलिए उठा रहे हैं, क्षत्रिय और वैश्य। यदि मान लो क्षत्रिय कोई अग्निहोत्री है, वैश्य कोई अग्निहोत्री है, संपन्न भी है, वो सोम याग करना चाहता है, उसके लिए कहा तुम सोम रस से याग नहीं करोगे, उसके लिए विधान किया निग्रोध का पिष्ट ले लो। निग्रोध माने बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ होते हैं ना, वटवृक्ष, सोमया सोमरस की जगह पर निग्रोध पिष्टम सोमस स्थाने, जैसे होता के स्थान में यजमान को कहा, वैसे सोम के स्थान में जो है आपको निग्रोध पिष्ट का विधान किया क्षत्रिय वैश्य, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। इन यह नियम जो प्रतिनिधि बनाया, सोम का प्रतिनिधि निग्रोध पृष्ठ, किस कार्य के लिए, पूरे याग के लिए या भक्षण मात्र में? पूर्व पक्ष कहेगा भक्षण मात्र में, भक्षण के बाद प्रकरण में आया है, इसे भक्षण मात्र में सीमित कर दो, बाकी याग सोम रस से ही करेगा, याग तो सोम रस से करेगा, इन भक्षण का जब नंबर आया, क्रम आया, तब वो क्या करेगा, निग्रोध पृष्ठ को खाएगा, ये माना जाए। सिद्धांत कहते नहीं नहीं, क्योंकि फल चमस नाम से रख दिया है कि निग्रोध फल से बना हुआ है, इसे उसका नाम फल चमस। अब तक सोम चमस पात्र, सोम के ग्रह पात्र होते थे, उसका नाम फल चमस पात्र किया। जब फल चमस पात्र है, चमस हवन होता है, जब हवन भी तो निग्रोध पृष्ठ से करना पड़ेगा, सोम से कैसे करेगा वो, से पूरा सोमयाग निग्रोध पृष्ठ से ही होगा, अतः भक्षण भी निग्रोध पृष्ठ का शेष, वही शेष बचेगा वही खाएगा, ये सिद्धांति कहता है। देखिए निग्रोध पृष्ठम सोमस स्थाने क्षत्रिवेशर्वीतम तच्च भक्ष मात्र विकुर्यात तत्, और ये बात भक्षण मात्र में विकृति मान लिया जाए, सोमयागे पिवा अतः पूरे सोमयाग में मान लिया जाए, ये शंका संशय हो गया। तथा इति तब से पूर्व पक्ष कह विभक्ष विषया वाक्यम उपक्रम्य उपसंहृतम, भक्षण विशेष रूपेण भक्षण को विषय करके ही वाक्य का उपक्रम और उपसंहार हुआ है। क्या था, जैसे भक्षम छेद इति ततो विकार भक्ष मात्र का, ये जो सोमस्थानिक निग्रोध पृष्ठ जो विकार है वो भक्षण मात्र में सीमित होनी चाहिए। पूर्व पक्षी के जवाब में सिद्धांत कहता है फलाक चमसे नासो यजेत इति श्रुतत्वतः, विधि आय वो जो निग्रोध पृष्ठ उसको दही आदि में डाल करके बनाया जाता है, जैसे आपके मंथ बनाते हैं ना, प्रधान के प्रसाद में आया है मंथ निर्माण करते हैं ब्रह्मचारी, वैसे इसको बनाया जाता है, वहाँ तो 10 ग्राम्य धान को डाल करके पीस पास करके बनाया जाएगा, ब्रह्मचारी उसको 3 बार में खाएगा, अंतिम बार में धोकर के पिएगा, ऐसा वर्णन आया। ऐसे यहाँ पर भी जो है फल चमस फलाक की चमस पात्र के द्वारा आहुति देने याग करने को कहा गया है। जब याग करेगा इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे सोम के जगह पर ये विधि हो गया, द्रव्य प्रतिनिधि हो गया। यदि श्रुतत्वता इज्जायांच विकारोस्ति, केवल भक्षण में नहीं बल्कि इज्जा से लेकर के भक्षण पर्यंत पूरी प्रक्रिया में यह प्रतिनिधि को मानना पड़ेगा। यागार्था भक्ष संस्कृति ही, याग की जो है पूर्णता के लिए भक्षण रूपी संस्कार होता है, और याग जब उसे कह दिया भक्षण भी उसी से होगा। ज्योतिष्टो में श्रूयते यदि राजन्यम वैशम वा याजेत स यदि सोमम विभक्ष इशेत निग्रोध
स्तिमिनीर आहृत्य तहा संपिश्य दधनी अनुमृज्य तम अस्मै भक्ष प्रेच्छेत न सोममिति। फल भी है और मुकुल भी है। स्तिमिनी स्तिमिन्या मैंने मुकुलानी मुकुल मुकुलों को ला के उसको पीस के बनाओ बोल दिया। तो यदि राजन्यम वैश्यम वा यदि क्षत्रिय वैश्य से ब्राह्मण जो है ऋत्विक को सोमयाग कराना चाह रहा है तो उस स्थिति में ता संपिश्य दधनी क्या याजेत सा यदि सोमम विभक्ष विषे विभक्ष ईषेत और वो यजमान भी चाहेगा मैं सोम भक्षण करूं क्षत्रिय यजमान वैश्य यजमान तब उसे सोम भक्षण से बचाने के लिए विधान कर दिया। तब निग्रोधस्तिमिनी वीर आहृत्य निग्रोध के वटवृक्ष के जो है बरगद के पेड़ का मुकुलों को ले आओ। स्तिमिनी आहृत्य ता संपिश्य उनको पीस करके दधिनी उन्मृज्य दधि में डाल के उसको अच्छी तरह से मिला करके तब उसको यागादि करेगा तब खाएगा बचावा को। तम अस्मय भक्ष प्रयच्छेद उस तारस जो फल चमस है उस पात्र शेष बचाए हवन के बाद में वही चीज इस क्षत्रिय यजमान वैश्य यजमान को भक्षण के लिए देना चाहिए। न सोमम साफ निषेध कर दिया सोम रस नहीं देना इति। स्तिमिन्या की व्याख्या कर रहे हैं स्तिमिन्या का कहते हैं मुकुलानी इत्यर्थ मुकुल। तत्र उपक्रम उपसंहारी और भक्ष विषयता उपक्रम और उपसंहार भक्ष विषय होने से उपक्रम में क्या कहा उसने विभक्ष ईषेत ये उपक्रम आया विभक्ष ईषेत खाना चाहता है तो और अंत में क्या कहा भक्षम प्रेच्छेत ये उपसंहार हो गया। उपक्रम उपसंहार पूर्व पक्षी अनुसार भक्षण विषय को गिनाते भक्ष मात्र सोम पिष्ठेन विक्रियते भक्ष मात्र काल में सोम के जग पर पिष्ठ के द्वारा जो है विकार स्वीकार करना चाहिए। इज्जत मैवाम पूर्व पक्ष नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा मैवाम यदा अन्याश्चमसान जुहुवती अथई तस्य दर्भतरुणकेन उपहृत्य जुहोती इति श्रुताम। जब अन्य चमस पात्रों के द्वारा आप हवन करते रहेंगे अन्य चमस पात्र क्या है सोमयाग रहेगा सोमरस रहेगा वो सब सोमरस का जो पात्रों को अन्य ऋत्विक आदि भक्षण करेंगे ना वो तो सोम भक्षण ही करेंगे। इन यजमान जो क्षत्रिय वैश्य है उसको इस चीज़ को दे फल चमस को देने को कहा गया है। यदि अन्यांश चमसान जुहुवती अन्य चमसों का जैसे आहुति होते जाता है ये तस्य ये जो फल चमस है इसको क्या करना है दर्भ तरुण के न उपहृत्य दर्भ तरुण के न तरुण का गुणों माने ऐसा दर्भ जो अत्यंत सूखा भी नहीं है अत्यंत छोटा भी नहीं है पूरा बूढ़ा भी नहीं है तरुण दर्भ दर्भ की तरुण अवस्था बाल अवस्था है तरुण अवस्था है वृद्धावस्था है। दर्भ होता है ना जब उगते हैं तो क्या होता है बाल अवस्था रहेगा छोटा रहेगा इतने छोटे छोटे रहेंगे दर्भ फिर बड़े होते जाएंगे बिल्कुल हरा भरा बड़े चकाचक दिखते हैं वो तरुण अवस्था हो गया फिर धीरे धीरे पीले होने लगते हैं बूढ़े हो जाते हैं वो भी सूख जाते हैं। जो तरुण गए दर्भ उनसे उसको पुष्य वसरुत करके उस चमस्पात से हवन करने के लिए कह रहे हैं इति श्रुतम। तत्र फलचमस रूपेण यथोक्त पिष्टेन यागम अंगीकृत्य देखो फलचमस रूपी यथोक्त पिष्ट से याग को स्वीकार किया तरुणक गुणों विधियते उसे तरुणक दर्भों का इस्तेमाल करने का गुण विधान किया गया। इस गुण विधि में स्पष्ट है ये भी हवन के हिस्सा है वो केवल भक्षण से नहीं काम चलेगा। किंच इष्टद्रव्य संस्कार ही भक्ष जो यजन करने के बाद में बचा हुआ जो द्रव्य उसके संस्कार है भक्षण और जिसके यजन ही किया ही नहीं आपने वो भक्षण कैसे करेंगे आप। सच याग मंत्रण अनुपन्न और याग के बिना उसका इष्ट द्रव्य ही है उपयुक्त द्रव्य ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तस्मात यागे पि विकार इसलिए याग में भी पिष्टि का विकार को स्वीकार करना चाहिए।
हाँ होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं भी हो तो दिक्कत नहीं, वो यजमान सामान्य के लिए कह दिया है। यहाँ यजमान विशेष के लिए विधि है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए, जहाँ जैसा विधि उसके। हमारे यहाँ मेन चीज़ यह है मीमांसा दर्शन में और वेद में, बिल्ली यही कट्टरता कहो कुछ भी कहो, जो विधि ने लकीर बांध दे उसके अनुसार चलना है, उसे ननु नचा नहीं चलेगा। हमारे वेद नित्य है, सदातन है, वो सनातन है, वो उसमें कोई विकार नहीं कर सकते। वहाँ के लिए यजमान संज्ञा बोल दिया, जब ब्राह्मण हो जब क्षत्रु जब वैश्य हो, यानी उत्तराधिकरण में क्षत्रिय और वैश्य की बात होगी, पूर्व केवल ब्राह्मण के लिए संकोच कैसे करेंगे आप? ये करना हो तो वहाँ बोल देते, ब्राह्मण यजमान बोलते। लेकिन जैमिनी न सूत्र में कह रहे हैं, न इन्होंने श्लोक में कहा, न टीका में, ये वो यजमान सामान्य बात है। और यहाँ यजमान विशेष के लिए जो विकार है उसमें भी पूर्व संकोच कर रहा था भक्षण मात्र के लिए, तो सिद्धांत ने कहा पूरे याग में स्वीकार को स्वीकार कर, इतना ही यहाँ पर पक्ष है। अनुप्रसर्प्यधिकरणम, अनुप्रसर्प्यधिकरणम विंशाधिकरण मारचित, बीसवाधिकरण है, राशि प्रकरण उठा रहे हैं यहाँ पर। दशपे नामक एक याग विशेष है राशि याग में, जैसे वाजपेयी होता है वैसे दशपे याग है, अलग अलग याग का नाम है। दशपे नामक याग में ये बात आया है, वहाँ विचार कर रहे हैं। राजसूये क्वचित कर्तुर चमसो दशभिर जनई भक्ष किंतत्र राजन्या भक्षका ब्राह्मणा उतो आद्यो भाना संचयको जातिर्विप्राशतन दश चमसान अध्युरित्युक्त्या राजपात्रंच विप्रगम इति। राजस्व याग में किसी एक याग विशेष है दशपे नाम के याग विशेष, वह बात सुनने को मिला, दश दशई कई कम चमसम अनुप्रसर्पंती इति। दश दश एक कम चमसम अनुसर्पंती, एक एक चमस को दस दस लोग पीछे करेंगे, अनुसर्पण करेंगे, अतः उनको दसों को भक्षण का अधिकार हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? ये 16 ग्रह पात्र है, 16 चम्मच पात्र है, 16 × 10 160 हो जाएंगे। अब प्रश्न उठ रहा है वहाँ पर, राजन्या कर्तो कर्ता कौन है? क्षत्रिय, जो राजसूय आ गए, राजसूय तो क्षत्रिय करके दूसरा तो कर भी नहीं सकता। राजा राजसूय ने यजेता, क्षत्रिय वहाँ यजमान होना है, ब्राह्मण वैश्य यजमान तो हो ही नहीं सकते। अब वो जो यजमान का जो पात्र है उसके साथ और जो 10 लोग अनुसर्पण करेंगे वे कौन होंगे? क्षत्रिय होंगे कि ब्राह्मण होंगे? ये प्रश्न है, वही समझा रहे। कर्तुर चमसो दशवीर जनहि भक्ष किम तत्र, कर्तृ चमस को भी, यजमान का जो चमस है उसको भी 10 जनों के साथ भक्षण करना है, वो भी अनुसर्पण करेंगे, वो भी खाएंगे। तवा किम तत्र राजन्य एव भक्षका ब्राह्मण, तो खाने वाले क्षत्रियों को ही 10 लोगों को लिया जाए या ब्राह्मण 10 होंगे? आद्य पूर्व पक्षी भाना संख्या एक जातेर, देखो संख्या के आधार पर एक जाति ही ऐसा मालूम होता है भाना, इसलिए होना चाहिए वहाँ क्या एक जाति वाले ही लो, क्षत्रियों को ही ले लो। विप्राह शतम दश चमसान अध्युर इत्युक्त्या, लेकिन वहां पर उक्ति क्या है? विप्रा शतम दश, विप्राह शतम दश यूं कह करके चमसान अध्यु चमसों को खाएंगे इत्युक्त्या राजपात्रंच विप्रगम, क्षत्रिय का पात्र भले ही हो वह भी ब्राह्मणों को ही जाएगा। राजसूय दशपे नाम की यागे श्रूयते, दशपे नाम की याग में श्रवण हो रहा है, दश दश एक एकम चमसम अनुप्रसर्पंती इति, दस दस करके प्रत्येक चमस पात्र का अनुसर्पण करेंगे। तत्र यजमानस्य राजन्यस्य यः चमसः, बाकी तो जितने भी ऋत्विक ब्राह्मण हैं उनके जो अनुसर्पण करने वाले 10-10 भी ब्राह्मण होंगे ही, वहाँ तो कोई हमें विवाद नहीं है। यानी क्षत्रिय का यजमान है क्षत्रिय,
उसकी जब पात्र का हिस्सेदार क्या ब्राह्मण होंगे कि नहीं होंगे, या क्षत्रिय है उस अपना उसमें से एक हिस्सा लेगा और अन्य जो 10 उसमें से खाने वाले हैं वे भी क्षत्रिय होना चाहिए। और पक्ष यही कहेगा क्षत्रिय होना चाहिए। वही कर आद्यो भानात संख्या एक जातिरेव, एक जाति वाले ही होना चाहिए ऐसे वाक्य से मालूम होता है। अतएव क्षत्रिय जाति वाले को लेना चाहिए। तो सिद्धांत ही नहीं, नहीं विप्रा शतम दश चमसा नद्यो एक दिया विप्राम विप्राह शतम दश चमसा नद्यो, अन्यों के लिए कहते दश शतगति शत शत मैंने अन्य दही ब्राह्मण सौ सैकड़ों हैं, लेकिन इसके लिए भी अलग से कहते दश विप्राण, स्पष्ट विधि है वहाँ। इत्युक्त्या राजपात्रंच विप्रगमिति राजसूय दशपे नाम की आगे श्रूयते इत्यादि। तत्र यजमानस्य राजन्यस्य यश्चमस स्वयं राजन्यैरेव दशभिर् भक्षणीय, क्षत्रिय 10 लोगों को बुलाओ और वे लोग उस राजा के साथ जो यजमान है उसी के साथ वे 10 मिल करके 11 लोग मिल करके खाएंगे उसमें से बचावा को। कुतः दशैति संख्या जात्यकत्व प्रतिभानात्, दश भी ही नहीं बोला ना, बहुवचन नहीं बोला, दश मने एकत्व है, एक वचन है, अर्थात जातो एक वचन प्रयोग हुआ है। ये पूर्व पक्षी युक्ति दे रहा है। दशैति संज्ञया जाति एकत्व प्रतिभानात तथा ही दशपेयस्य ज्योतिष्टम विकृतित्वात, और दशपेय याग भी ज्योतिष्टम के विकृति होने तय प्राकृतम धर्म जातम चौदकेन प्राप्तम, प्रकृति याग से समस्त धर्मों का अतिदेश के द्वारा विकृति याग में प्राप्त हो जाता है। प्रकृतौच यजमान चमसस्य भिन्न जाति विर्भक्षण नास्ति, और प्रकृति में क्या है यजमान चमस पात्र को भिन्न जातियों के द्वारा भक्षण नहीं है, स्वजाति ही लोग होंगे वहाँ। इति अत्रापि तथैव प्राप्तम, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य के आधार पर यहाँ पर भी क्षत्रिय जाति वाले ही भक्षण करना चाहिए। यदि दशैति विशेष विधेयत, यदि दश करके विशेष ब्राह्मण आदि का विधान करना होता तो तरी प्राकृतम भक्ष भक्षक संख्या मात्रम निवर्तताम, फिर जब तरी प्राकृतम भक्षक संख्या मात्रम निवर्तताम, प्राकृत जो है भक्षकों की संख्या है उतने मात्र स्वीकार करना, न तो एक जातित्वम एक जातित्व नहीं होना चाहिए था। तस्माद् राजन्य यजमानो अन्य राजन्यैर नवभिः भक्षेत, राजन्य जो यजमान होने से क्षत्रिय यजमान होने से वन्य 10 लोग मिलकर खाना है तो और 9 लोगों को भी इकट्ठा करेगा क्षत्रियों को। इति प्राप्ते ब्रूमः, प्रकृता प्राप्तेषु दशसु चमसेषु, प्रकृति से प्राप्त 10 चमस उनमें से भक्षणाय अनुसर्पताम पुरुषाणाम दश दश इति वा वीप्सया, उन्हें भक्षण करने के लिए अनुसर्पण करता हुआ अन्य पुरुषों को दश दश वीप्सा बोला। जा तो एक वचन नहीं है यहाँ, वीप्सा में प्रयोग हुआ ना, दो बार बोला ना, एक ही बार कहते तब तो हम जातो में एक वचन मान सकते थे, इन्हें वीप्सा है। जैसे उधर सभी पेड़ों को दो तो वृक्षम वृक्षम प्रति वीप्सा की जाती है, वैसे यहाँ पर भी है वीप्सा है यहाँ पर। दशति वीप्सया प्रति चमसम दश संख्या, प्रत्येक चमस के दश संख्या विधाय अर्थ सिद्धाम शत संख्या अनुद्य, अर्थ से शत संख्या का अनुवाद करके संख्या नाम सर्वेशा ब्राह्मण्यम विधीयते, संख्या सभियों में ब्राह्मण्यत्व का विधान किया गया है। शतम ब्राह्मणाः पिबन्ति इति, 100 ब्राह्मण इसलिए पियेंगे कह दिया गया। तथा सति यजमानस्यापि राजन्यस्य यत्र भक्षण भक्षो नास्ति, अतएव पूरे 100 ब्राह्मण ही खाएंगे कह दिया, मैंने यजमान क्षत्रिय उसको भी भक्षण का अधिकार खत्म कर दिया, तो उसके साथ और 9 क्षत्रिय आके खाएंगे कैसे बोल रहे हो। तथा सति यजमानस्यापि राजन्यस्य यत्र भक्षो नास्ति तत्र कुतो अन्य राजन्या भक्षयेयो, तब ऐसे में अन्य क्षत्रिय आकर के भक्षण के हिस्सेदार कैसे हो सकते हैं, उन्हें नहीं हो सकते।
तस्मात ब्राह्मण एव भक्षका, ब्राह्मण ही भक्षण करने वाले होंगे, ये सिद्ध हो जाता है। ऐसे माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तर है तृतीयाध्याय से पंचम पाद। अब तृतीयाध्याय से षष्ठ पाद से प्रथमाधिकरण मार्चित, तृतीय अध्याय के छठे पाद का पहला अधिकरण आरंभ होता है। इसके बारे में तो आप संग्रह में खूब सुन चुके हैं। ये पहला अधिकरण परिणमयित्वाधिकरण, यसे परिणमयी जुहुर्भवती न से पापम श्लोकं श्रृणोति इत्यादि, अलग अलग पात्र अलग अलग लकड़ी से बनाने को कहा था। जैसे उपभृत वही कंक थी, यसे खातिर अलग अलग पात्रों को अलग अलग लकड़ियों से बनाने का विधान किया, अलग अलग फल भी बता दिया। और जू यदि पलाश पेट का बनाते हैं तो उसको कभी अपयश सुनने को नहीं मिलेगा, ये फल बताया। न सब पापम श्लोकम, श्लोकम नहीं यश, पाप शो में अपयश कभी सुनना नहीं पड़ेगा, ये कहा। वहां पर विचार किया जा रहा है उसको लेकर के, प्रकृतौ विकृतौ वा स्याद यस्य परिणेत्यसौ विधि, प्रकृतावेव वा तुल्याद वचना दुभयोरसौ। जुहुमाश्रित्य पर्णत्वे विधि प्रकृति मात्रगः चोदकेन उभय प्राप्तेर विकृतो विधिनात्र किम्। यह अनारभ्य विधि है, किसी प्रकरण को विशेष को आरंभ करके पठित नहीं है, अनारभ्य विधि होने से प्रश्न उठ रहा है। इस विधि को प्रकृति याग में रखी जाए या प्रकृति विधि दोनों में रखा जाए, पूर्व सर्वत्र जोड़ दो ना, अनारभ्य है यहाँ भी जोड़ वहाँ भी जोड़ सब जगह जोड़ दो, सर्वान्वय कर दो। जैसे आप स्वयं जूह पात्र को सर्वतन्वय करते हैं, इसे परणमयित्व को भी इसे कर दो। कहते नहीं नहीं, हम प्रकृति आग मात्र में जोड़ देंगे, विकृति में कैसे होगा फिर, प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य अति जैसे आ जाएगा, वहाँ अलग से विधान कर क्या जरूरत है। सकल प्रकृति मात्र संबंध करे सिद्धांत ही कहेगा, वही कह रहे प्रकृतो विकृतो वा स्याद यस्य परणेत्यसौ विधि, यस्य परिणमय जरूर इत्यादि विधि है, प्रकृति में केवल किया जाए ये विकृति में केवल किया जाए। प्रकृतो एव वा तुल्याद वचनाद उभयो रसो, प्रकृतो एव वा सिद्धांत पक्ष संशय में एव वा, प्रकृति विधि दोनों में की जाए या केवल प्रकृति में किया जाए। पूर्व पक्ष तुल्यत्वात् अनारभ्य यदि तत्व नाम का जो धर्म है वो समान है, अतएव दोनों में डालो वचनाद उभयो रसो। सिद्धांत की नहीं नहीं, जुहूम आश्रित्य परणत्व, जुह को आश्रय जुह पात्र को आश्रय करके परणत्व मात्र विधि है, अतएव प्रकृति मात्र कहो, प्रकृति याग मात्र में जाएगा। तो विकृति याग में कैसे घटाओगे, तो चोदके न उभय प्राप्त है, चोदक के क्या होगा अतिदेश के माध्यम से, बल्कि दोनों प्राप्त हो जाएगा, जुह पात्र भी आ गया परणमयित्व भी आ गया, दोनों विकृति में आ जाए। इसीलिए प्रकृति हम क्या करेंगे, जू पात्र तो स्वतः प्राप्त है, प्राप्त जू के द्वारा हवन होना है, जू पात्र प्राप्त था अन्य वाक्यों से, उसे परिणमय मात्र का विधान कर दो प्रकृति में, तब क्या होगा विकृति में दोनों आ जाएंगे, परिणमयत्व विशिष्ट जूत्व दोनों आ जाएगा। चौदगिन उभय प्राप्त विकृतो विधिनात्र किम, विकृति में भी अलग से पुनर्विधान करने से क्या लाभ है, मैंने कोई लाभ नहीं है। अनारभ्य श्रूयते अनारभ्य पठिते यस्य परिणमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम श्रृणोति इति, तत्र अव्यभिचरित कृतु संबंधवती जुहूम आश्रित्य। देखो अव्यभिचरित कृतु संबंध है किसका, जू पात्र का, से जू पात्र को विधान करने की जरूरत नहीं है, वन्य विधि से सकल यागों में जू पात्र अव्यभिचरित रूपेण संबद्ध होकर प्राप्त है, उस प्राप्त जू पात्र में हमने क्या करना, केवल परणमयित्व का विधान करना है। तत्र अव्यभिचरित कृत संबंधवती जुहूम आश्रित्य तद्धेतु पर्ण वृक्षो वाक्यन विधेयते, उसके निर्माण का प्रकृति भूता लकड़ी जो है वह पर्णमय हो, पर्ण वृक्ष का हो, ये वाक्य के द्वारा विधान किया गया है। या जुहू सा पर्णमयी, जो जो पात्र
याग में आप इस्तेमाल करना चाहते हो वह परिणमयी होवे। क्या लाभ है, सस्ते से कोई लकड़ी ले लो, अब परिणमयी के लिए कहाँ ढूंढते गुरु। परिणमयी कौन सा होता है, किसको बोलते हैं, पलाश का पेड़, पलाश के पेड़ ढूंढते जाओ और उसे बनाओ। अभी इस क्षेत्र में पलाश की पेड़ ही बहुत कम हो गए, पहले बहुत थे, अब पता ही नहीं चलते, ढूंढना पड़ता है। जब होता है ना पुनः संस्कार वगैरह में जाके ढूंढ ढांड के लाना पड़ता है। गतिविधियत या जो सा परिणमयी थी वाक्यंच प्रकृति विकृति और तुल्यम प्रवर्तित है, और वाक्य जो है प्रमाण प्रकृति आगो विकृति आगो सबसे बराबर प्रवृत्त होगा। अनारपित होने के नाते उभयत्र प्रणतया जुवा सत्वाद से दोनों ही जगह प्रणतया जुवा सत्वाद प्रकृति में भी प्रणता है जो भी है विकृति प्रणता जो दोनों हो जाएंगे। तस्मात प्रकृति विकृति योर उभयोर अपि अयम विधिर इति प्राप्ते ब्रह्म, दोनों में विधि को जोड़ना चाहिए ऐसे पूर्वक्ष प्राप्त हुआ सिद्धांत कहते नहीं नहीं किमयम विधि विकृतौ चोदगात पूर्वम निविशते पश्चात वा विकल्प पूर्व 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 पक्ष से, तो विकृति याग में इसको जोड़ोगे इस वाक्य को विधि को प्रकृति याग में जोड़े बिना ही सीधे विकृति में पहले जोड़ दोगे या प्रकृति में जोड़ के विकृति में जोड़ोगे। यदि प्रकृति में जोड़ के जोड़ रहोगे तो फिर जरूरत ही नहीं जोड़ने की, एक बार तुम प्रकृति में जोड़ दिया उसे स्वतः ही विकृति माना है अतिदेश से। इसे पूछ रहे हैं कि मयम विधिर विकृत हो चोदकात पूर्वम मने अतिदेश से पहले, मने प्रकृति में जोड़े बिना पहले आप निवेश करोगे पश्चात वा या अतिदेश के बाद। नाद्य हो आश्रय भूताया जुवास चोदक मंत्रिण असंभवात, के परणमित्व का आश्रय कौन है, जुवपात्र, और जुवपात्र अतिदेश से आए हुए बिना विकृति में प्राप्त ही नहीं है। ये सकल प्रकृति आगों में जीव पात्र विहित है, और वहां से जीव पात्र आएगा उसे तुम पूर्ण महित विधान करोगे, बाद में इसलिए जोड़ना पड़ेगा ना, इसे इस वाक्य को पहले से ही जोड़ दो प्रकृति में। ये प्रकृति से जीव का आना ही है तो साथ साथ प्रणमहित भी वहीं से आ जाएगा, अलग से विकृति आगे जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भूत वही करें कि आश्रय भूत आया जुवाया चोदक मंत्रेण असंभवात, द्वितीय तो पर्णत्तम अपि जुवा सहैव चोदकेन अतिदिश्यते, अद्वितीय पक्ष लोगे अतिदेश के द्वारा लाना चाहोगे तो जैसे ही प्रकृति आग में वाक्य जुड़ गया वहाँ प्रकृति में प्रणमित विशिष्ट जुह मिल गया, और वो अतिदेश से दोनों एक साथ आएंगे ही, अलग से पुनर्विधान करने की जरूरत नहीं है। सहैव चोदकेन अतिदिश्यते तत्र पुनर्विधिर वैयर्थ्याद अयम विधि प्रकृति मात्र कह, पुनर्विधि करना व्यर्थ हो जाएगा इसलिए यह विधि को प्रकृति मात्र से जोड़ा जाएगा। एवं इसी प्रकार से उसी अन्य जो वाक्य है यस्य खादर स्रवो भवति इति उदाहरणीयम, उन अन्य वाक्य तीन वाक्य वहाँ पर कुल चार है वाक्य, चारों वाक्यों में यही सिद्धांत बना लेना चाहिए।